अगर 20 साल के बाद एक पुराना गेम का सर्वर ऑन हो जाए तो क्या आप उसे खेलना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो आज हम जिस एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं वो है इन द लैंड ऑफ लेडाले, या जापानीज में लेडाले नो दाइचिन इत्ते। एनिमे कैसा है? ये एनिमे अंडररेटेड है, कॉमेडी और लाइट मूड से भरा हुआ है, ओवरपावर कैरेक्टर है जिसको ज़िंदगी में कोई नहीं हरा पाएगा। ऑथर इस एनिमे में बहुत कुछ डालना चाहते थे इसलिए ये एनिमे थोड़ा इम्बैलेंस हो गया। एनिमे का प्लॉट क्या है? ब्लैकआउट होने की वजह से लाइफ सपोर्ट बंद होने के कारण केना की मौत हो जाती है, लेकिन मरने के जगह वो रीइनकार्नेट होती है VRMMORPG गेम में, जो खेलते खेलते वो हॉस्पिटल पहुंची। वो देखती है गेम में सब बदल गया है, 200 साल बीत गया है गेम के अंदर। अभी उसकी एडवेंचर नए लोगों के साथ अच्छे से हो पाएगी कि नहीं, इसके लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। क्या आपको ये एनिमे देखना चाहिए? मैं बोलूँगा हाँ, ये मेरी तरफ से मस्ट वॉच एनिमे है और मैं इसे हाईली रिकमेंड करता हूँ। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और ये भी मेंशन कीजिएगा कि आप वो गेम खेलेंगे अगर सर्वर ऑन हो जाए तो। क्या आपने ये एनिमे देखा है? अगर देखा है तो क्या आप दूसरे को ये रिकमेंड करेंगे? ये भी नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू माइक्रो।